सबसे पहले आपको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको भी, और अपने जिंदा इमाम को उनके जद की विलादत बसादत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे थे आप। हम लोगों का मामला ये होता है कि हम लोग पढ़ते दिल से, ठीक है, अब देखना चाहता हूँ मैं इस माहौल में ब्रह्मपुरा वाले सुनते दिल से हैं या नहीं। मैं चार हिस्से से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। राजा फरमाए, जर्रे जर्रे को दिल कशी दी है, जर्रे जर्रे को दिल कशी दी है, खुश्क पत्तों को ताजगी दी है, खुश्क पत्तों को ताजगी मुझको बिल्कुल एहसास हो गया कि आप दिल से सुनेंगे इंशाल्लाह। मैं चार मिसे और पेश करता हूँ। देखें, ये मैंने चार मिसे रास्ते में कहे, इसलिए मैं पेश कर देना चाहता हूँ, इसलिए कि ये तोहफा आप ही के लिए है। हौज़े कौसर का जाम आया है, जिंदगी का सलाम आया है, चांद को चार चांद लगे, क्योंकि चौथा और पेश करता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पोस्टर पे चार मिसरा नहीं देखा होगा, इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ। मौलाना फरमाए, देखिए, सितम के सामने एक सब्र की दीवार लगता है, सितम के सामने एक सब्र की दीवार लगता है, तकल्लुम कह रहा है, हैदर करार लगता है, तकल्लुम कह रहा है, हैदर करार लगता है, शाही की तरफ लगो,
वही मुख्तार लगता है। एक मतला चंद अशआर पेश करता हूँ, आप ऐसे ही सुनते रहिएगा। मिसरा निकला था, कतरे कोयले बैत ने दरिया बना दिया। मैं एक मतला चंद अशआर पेश करता हूँ मौला जफर में, चाहता हूँ मतले पर। भूजर किसी किसी को जुरारा बना दिया, भूजर किसी किसी को जुरारा बना दिया। सबसे पहले माइक वाले से कहते हैं माइक बहुत अच्छा बज रहा है, और यहाँ से अब शेर तवज्जो चाहता हूँ शेर पे बतौर खास मुलाजा फरमाएं। देखे हुर पत्थरों की भीड़ में बरसों से थम गए, हुर पत्थरों खातून वो हबश की सियाफाम थी मगे, हबश की सियाफाम थी मगे, खातून वो अल्लाह ने हुसैन की तस्कीन के लिए, अल्लाह ने हुसैन की तस्कीन के लिए अकबर को किसी किसी
जब भी लिखी शबीर ने हैदर की मलकबत हर लफ्ज को खुदा ने नगीना शुक्रिया दोनों हाथों बुलंद करके अब यहां से समझिएगा कि शबी गोपाल पूरी माइक पे आया है। अब यहां से चार मिसरे मैं पेश करता हूं, जिस महफिल में जाता हूं उस चार मिसरे से आगाज करता हूं। मलादा फरमाए देखें, अगर ये कता हमारी जिंदगी का कीमती कता है तो आपकी दाद आपकी मोहब्बत चाहता हूं। मलादा फरमाए बातिल जो चाहता था वो करने नहीं दिया, बातिल जो चाहता था वो करने नहीं दिया, अरे इस्लाम को हुसैन ने मरने करने नहीं दिया, इस्लाम को हुसैन ने मरने नहीं दिया, तो टुकड़ा खुद तो पट गया जहरा का लाडला, टुकड़ा खुद तो पट गया जहरा का लाडला, अरे कुरान की मरने नहीं दिया, टुकड़ा मैं खुद तो पट गया जहरा का लाडला, कुरान की आयतों को बिखरने नहीं दिया, कुरान की आयतों को बिखरने नहीं दिया। एक कलाम पेश करता हूं जिसकी रदीफ है सर से पांव तक, रदीफ है सर से पांव तक। मैं मतलब पेश करता हूं, मुलादा फरमाए इंशाल्लाह, मतलब ही मेरी दुआ मिल जाए तो इंशाल्लाह पूरा कलाम पेश करूंगा। बतौर खास मुलादा फरमाए, मैंने अगर रदीफ निभाई है तो आपकी दुआएं दुआओं का मोहताज हूं। मुलादा फरमाए क्यों ना मिले हरे कम कर दो, ज्यादा तारीफ कर दिया जो नहीं हो रहा। क्यों ना मिले हरेक अदा सर से पांव तक, अब्बास है अली की दुआ सर से सर से पांव तक।
माशाल्लाह क्या तीर भी पिसात है असगर के सामने, क्या तीर भी पिसात है असगर के सामने, खुद हुरमुला भी का के लिए तो मैं अपनी कामयाबी समझूंगा। बताए खास मादा फरमाए जिंदा तेरी बचा रही सारे यकीन में, जिंदा तेरी बचा रही सारे यकीन में, अरे जिस रोज करी में खिलना संसार जिसको जमीन देख लिया क्यों ना मिले हर एक अदा सर से पापते अब्बास है अली की दुआ। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद रदीफ मैंने निभाने की कोशिश की है और मौला की अदालत तो सब आदिल है, इसके कायल है कि मौला आदिल थे, लेकिन मौला के पास जो भी गया वो भी आदिल हो गया। मैं इसको साबित करना चाहता हूँ बतौर खास मौला का, क्यों ना मिले हर एक अदा सर से पाप के अब्बास है अली की दुआ सर से पाप के, तो है सब पीछे से दुआएं नहीं मिली, मुझे ऐसा एहसास होने लग रहा है कि मैं फारसी में शेर पढ़ रहा हूँ। क्यों ना मिले हर एक अदा सर से पाप के अब्बास है अली की दुआ सर से पाप के, कि देखिए शायर का हर शेर अच्छा होता है लेकिन जब आप अच्छे से सुन लेते हैं तो और अच्छा हो जाता है, या तो और अच्छे से अगर सुन लेंगे तो हमारा शेर और अच्छा हो जाएगा। रसूल
लगने लगे रसूल खुदा सर से पांव तक तो पागे जो खा लो जहरा लेकिन ये शेर हमारी इस मनसूबत का सबसे कीमती शेर है। मिलता है उसको देख के ज़हनब के दिल को चैन, मिलता है उसको देख के ज़हनब के दिल को चैन, मिलता है आप सुनने के लिए हम आता है।